सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूं कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो के लास्ट में आपका भाई वन क्लिक में भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोगों को एडिट करना सिखा देगा। तो अब वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को क्या करेंगे ना, लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो वीडियो में आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद इफेक्ट के आइकन पे चले जाएंगे। और जाने के बाद इसकी क्लियरिटी की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -19% कर लेंगे, इसकी टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 12% कर लेंगे, और इसकी डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10%, और इसकी विंगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके यहां से ना -46 कर लेंगे, और मिड पॉइंट की वैल्यू भी कम करके 44% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, हम लोग का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, इस फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट करने वाले हैं। और ये वाला स्टेप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग यहां पे अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे, और कर लेने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर लीजिएगा, हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -100 कर लीजिएगा, शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 29% कर लीजिएगा, व्हाइट्स की वैल्यू ऐसे कम करके -41 कर लीजिएगा, और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू भी ऐसे कम करके -17 कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ये सेटिंग आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपकी फोटो की लाइट अच्छे तरीके से एडजस्ट है तो आप ये वाला इस सेटिंग को स्किप कर सकते हैं। तो गाइस, ये हम लोग का दूसरा वाला भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले ना, कलर को एडजस्ट करके एक बेहतरीन सी ब्राउन टोन को क्रिएट करने वाले, और उसको कैसे क्रिएट करना है आपका भाई आसान तरीके से बताने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर्स के आइकन पे चले जाएंगे, और जाने के बाद सबसे पहले यहां पे कुछ सेटिंग को अप्लाई करना होगा, और इस के बिना आप ब्राउन टोन की फोटो एडिटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 22% करना होगा, और इसकी टेंप की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में यहां पे 40 कर लेना होगा, और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 46%। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको सिंपल से मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहां पे ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे, और इन्हीं कलर का यूज करके हम लोग टोन को क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -23% कर देंगे। देन दोस्तों, सिंपल से हम लोग येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके यहां से -66 कर लेंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे कम करके ना -31% करके, और सिंपल से हम लोग अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हम लोग का ऑरेंज कलर होता है, और कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज करके यहां से मैं -47 करके ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 13% कर लेता हूं, और सिंपल से रेड कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 19%, और कर लेने के बाद सिंपल हम लोग डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल गई है। लेकिन गाइस, अभी हम लोग अपनी फोटो में ना कलर ग्रेडिंग नहीं किया, इसलिए हम लोग की फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है। कलर ग्रेडिंग आखिरकार कैसे किया जाता है अगले स्टेप में आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, और वन क्लिक में भी आपका भाई फोटो को एडिट करना सिखाने वाला है। तो मिक्स टूल के बगल में हम लोग ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक कर देंगे, और यहां पे आप लोगों के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे, यानी कि ऑप्शन। सबसे पहले शैडो का मिल जाएगा, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो हम लोग शैडो में आके और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -27 कर लेंगे, बैलेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -23 कर लेंगे, और अपनी फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा हम लोग ऐसे स्क्रॉल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा
लोग ब्लू साइड में लेकर आएंगे और इसकी ह्यू की वैल्यू 244 रख देंगे और सेचुएशन को यहाँ पे 16%। और सिंपल से हम लोग हाईलाइट वाले में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा हम लोग ऐसे खसीट के ब्लू साइड में कर देंगे, इक्वा ब्लू साइड में। और कर लेने के बाद इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके 5% करके और सिंपल से हम लोग डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक करते ही हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा इसके बाद। आपका लास्ट स्टेप क्या होने वाला है ना, आपको डिटेल्स के आइकन पे जाना होगा, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 24% करना होगा, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 43%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 24%, कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 26% और इसकी स्मूथनेस की वैल्यू 100%। और ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट होकर आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस फोटो को फुल एचडी में सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू रिवाइज कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वन क्लिक में इस टाइप की फोटो को एडिट करना, तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।